सामने देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, यहीं से गाड़ी निकल रही है बगल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम तस्वीर दिखा रहे हैं, खजुराहट रोड दिखा रहा है यहाँ पर, सुल्तानपुर खजुराहट रोड। ये जौनपुर का जो मेन रोड है जौनपुर का, उससे 4-5 किलोमीटर आगे की तरफ हम आए हुए हैं इस समय, और आगे सुल्तानपुर वाला बोर्ड लग रखा है, उस जगह पर उपस्थित है। यहाँ पर देखेंगे तो एक जगह के लिए हमने सूचना दी थी, इसको बनाने के लिए यहाँ पर यह बनाया गया है जुगाड़ करके। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ईंट लगाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जुगाड़ करके ये बना दिया गया है। फिलहाल पूरी मजबूती के तरीके मजबूती से नहीं बनाया गया है। यहाँ पर जबरदस्त देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बिल्डिंग किया गया है। यहाँ पर ये फट रहा है, अभी से ये टूट रहा है, इसकी स्थिति पूरी जर्जर है ये। और इस इधर की स्थिति देखेंगे तो हम आपको दिखा दें इधर वाला। यहाँ पर तो यहाँ जो नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ में तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं लगा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से विभाग द्वारा काम होता है यहाँ पर। थोड़ा वहीं रहना, इधर मत आना। और यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे नीचे कैमरा दबाइए, पकड़ के रखना, ये ग्रिल पकड़ के रखो। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये काम हो रहा है। ये देखिए, ये नीचे देखिए, देखिए नीचे किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है। वो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, इस जगह पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से इस जगह का निर्माण है। यहाँ पर ये कभी भी खिसक सकता है, ये स्थिति है यहाँ की, देखिए। ठीक है, ये यहाँ की स्थिति है, ये पुल है, इधर रेलवे लाइन है। ये कभी भी टूटकर आगे की तरफ रेलवे की तरफ गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके से निर्माण कार्य होगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर कोई नट नहीं लगाए, ना कुछ लगाए, ना कुछ लगाए। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस मैटर को। तो इस तरीके से यहाँ का ज़बरदस्त हिसाब किताब है, वेल्डिंग किस तरीके से किया गया है वह भी आप सो लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं, पकड़ कर आगे चलिए। और ये काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, यहाँ पर काफ़ी दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ था। जो यहाँ की तस्वीर हम आप सभी को दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर यहाँ की पूरी ख़राब, पहले से जर्जर पड़ी थी। यहाँ का हमने पहले दिखाया था और इसी तरीके से यहाँ पर कार्य हुआ है। फिलहाल ये डिवाइडर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर बना हुआ है, वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर पे देख सकते हैं ये रेलवे लाइन, यहाँ पर नीचे नीचे से रेलवे जा रही है। और आगे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुरक्षा की दृष्टि से इस चीज़ को लगाया गया है यहाँ पर रेलवे के, यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि रेलवे का ये पार्टीशन है, जितने दूर ये वन लगा हुआ है ये रेलवे का पार्टीशन है। और आइए हम आपको आगे की तस्वीर यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहाँ पर कार्य होता है अपने इधर उत्तर प्रदेश में, कैसे करते हैं लोग कार्य। यहाँ पर ये रेडियम लगा हुआ है इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आवाज़ उठाने के बाद, चलाने के बाद ये इसको बनाया गया है यहाँ पर। अब ये हमें लगता है ज़्यादा दिन ये टिकेगा नहीं, और ना ही ज़्यादा दिन ये चलेगा। आपको बता दें जिस तरीके से ये बनाया गया है यहाँ पर तस्वीर, वह हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पूरी तस्वीर है और ये जो जगह देख रहे हैं, हमें खुद डर लग रहा है इस जगह पर, इस पर चढ़ने के लिए कि कहीं ये गिर ना जाए, ठीक है। और यहाँ की ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है कि पूछिएगा मत। इधर से थोड़ा सा घूमिए और डिवाइडर के सपोर्ट पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस जगह पर किस तरीके से यहाँ पर कार्य किए हुए हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं। आगे इधर की तरफ फिलहाल ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसे ऐसे ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जौनपुर क्षेत्र की तस्वीर है। यहाँ पर जौनपुर क्षेत्र की हम यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरा सुल्तानपुर जौनपुर हाईवे है, जौनपुर का ये क्षेत्र पड़ा हुआ है, ठीक है। फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहे जौनपुर रेडियो, मनीष कुमार के साथ। ऐसे ही भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।